मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। प्रभु, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 28 नवंबर 2018, पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1 से 4 तक। मैंने स्वर्ग में एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुंदर सा कुछ देखा। जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजय हुए थे, वह कांच के समुंदर पर खड़े थे। वह ईश्वर की वीणाएं लिए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्वीय हैं। राष्ट्र के राजा, तेरे मार्ग न्यायसंगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्यायसंगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 12 से 19 तक। ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राज्यों तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।